पीएफआई का जो इच्छाधारी आतंक है ना, ये अभी बाकी है। अभी हमने सिमी पर बैन लगाया तो पीएफआई पर बैन लगाया तो जेएफआई आ जाएगा, जिहाद फाउंडेशन ऑफ इंडिया आ जाएंगे ये। तो ये जो इच्छाधारी आतंक है ना, जिस तरह इच्छाधारी आतंक है, अच्छा ये एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, जो 10 जो सिर है ना, रावण के 10 सिर, ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है आज, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है आज, ये कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है आज। आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता, क्रूरता, षड्यंत्र, देशद्रोह, दंगा, गजवा प्लान, 2047 वाला गजवा प्लान, वो देखिए आखिरी वाली मुंडी, आखिरी वाला जो सर नजर आ रहा है, और हिंदू हत्या, गजवा प्लान, हिंदू हत्या, दंगा, देशद्रोह, आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता, क्रूरता और षड्यंत्र। आज खुशी का पल है, पीएफआई दहन, आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, पीएफआई दहन। देखिए आज भारत ने उस साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए 2047 की डेट दी गई थी, याद करिए। आज भारत पीएफआई आतंक के उस रावण का दहन कर दिया है जिसका आतंकवाद, डायरेक्ट जिहाद, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश, सीरियल हिंदू हत्याएं, हिंदू विरोधी दंगा जैसे कई सिर, कई चेहरे, आज हो गया पीएफआई दहन। नहीं है कई लोगों को सहन, पीएफआई पर बैन, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसका मतलब समझिए, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या मतलब है इसका, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है। नंबर एक। नंबर दो, पीएफआई पर बैन, हिंदू विरोधी दंगों की सीरियल साजिशों पर सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर तीन, पीएफआई पर बैन, सीरियल हिंदू किलिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर चार, ध्यान से सुनिएगा, पीएफआई पर बैन, पीएफआई और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की कमर तोड़ना है, नेटवर्क की कमर तोड़ना। पांच, पीएफआई पर बैन, जबरन धर्मांतरण और लव जेहाद की साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक है। नंबर छह, पीएफआई पर बैन, मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की साजिश पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है, कट्टरता पर है, क्रूरता पर है। पीएफआई पर बैन, विदेशों से भारत विरोधी आतंकी फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक। इस खबर को हल्के में मत लीजिएगा, चुनौती दी जा रही थी, बैन करके दिखाओ, कर दिया बैन। पीएफआई पर बैन, भारत के टुकड़े टुकड़े प्लान पर सर्जिकल स्ट्राइक है। और आज पीएफआई पर बैन उन हिंदुओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्हें पीएफआई से जुड़े दरिंदों ने सिर्फ इसलिए, ये चेहरे देखिए, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, ये सिर्फ देश ने झुकने देंगे में, ये आप देख रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा ये चीज आपको, हर कोई पीएफआई पर बैन। नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई बोलता ना क्यों बैन कर दिया, टुकड़े कर करके मारा इन लोगों को। संजीत, वी रामलिंगम, नंदू, अभिमन्यु, बिबिन, शरत, आर रुद्रेश, प्रवीण पुजारी, शशि कुमार, ये सारे नाम देखिए आप, आज इन सबको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पर बैन बहुत जरूरी था, बैन से पहले बर्बाद किया और फिर बैन किया, एक खास वर्ग में डर पैदा करना चाहते थे, इसलिए इन सबको देखिए, शशि कुमार, प्रवीण नेतारू को सोचिए, इन लोगों ने मारा था, प्रवीण नेतारू, प्रवीण पुजारी, आर रुद्रेश, सारथ, अभिमन्यु, उनके चेहरे देखिए, क्या गलती थी, धर्म की वजह से मार दिया, इस्लामिक कट्टरता, धर्म की वजह से इन सबको मारा। नंदू, संजीत, सबसे पहले संजीत का नाम लेना बहुत जरूरी, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, आज इस तीन तस्वीरों को देखकर मुझे नहीं पता अभी भी कोई पीएफआई को बचाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते थे ये सारे जितने, अब इनका धर्म की वजह से इन सबको मारा गया। सीरियल हिंदू विरोधी संगठन, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों से जुड़ा संगठन पीएफआई, पॉइजनस फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे जुड़े दरिंदे इन हिंदुओं की हत्या करने के लिए यह कहकर उकसाते थे कि इनकी हत्या मजहबी कर्तव्य है। लेकिन सोचिए, जिस पीएफआई का दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु समेत कई दंगों में नाम आ चुका है, सीए विरोधी हिंसा में पीएफआई का पर्दाफाश हो चुका है, देश भर में धर्मांतरण के रैकेट में जिस पीएफआई की साजिश सामने आ चुकी है, जो पीएफआई 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रही है, उसे वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हां, तुष्टीकरण वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सबूत मांगे जा रहे हैं, भरोसा नहीं होगा, सबूत मांगे जा रहे हैं, क्यों बैन कर दिया, सबूत दिखाइए, ललन सिंह, जेडीयू के, सबूत मांग रहे हैं, सबूत दिखाओ, क्यों बैन कर दिया, ये लश्कर पर भी कार्रवाई होगी, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, पीएफआई पर बैन के सबूत क्यों कर दिया भाई बैन। कई संगठन है जो पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर रहे हैं, कई संगठन है जो पीएफआई बैन से बुरी तरह तिल मिलाए हुए हैं,
सवाल ये, सोचिए ना, जब रावण दहन होता है तो सबसे पहले आसपास के जो दो भाई होते हैं ना, कुंभकर्ण मेघनाथ, उनको बड़ा दर्द होता है कि मेरे भाई को जला दिया। आज ये पीएफआई दहन, रावण जलता है तो कुंभकर्ण मेघनाथ को ही कष्ट होगा। आज ये पीएफआई दहन हो रहा है, ये पीएफआई के आतंक का रावण दहन, दर्द हो रहा है कई लोगों को। डिबेट करते हैं, बहुत बड़ी खबर है, इस चीज को समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक दिन है।